अब एक नियम बड़ा विचित्र है हमारा, शंकर पर जल चढ़ाने का जो भाव वर्णित किया जाता है कि हम शंकर को मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो खड़े खड़े चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं, बहुत ध्यान देना साहब। शंकर में मंदिर में जाकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। अब दो तरह का शिवलिंग है मंदिरों में, दो तरह का शिवलिंग का निर्माण होता है, ठीक है। एक विष्णु शिवलिंग, एक शक्ति पार्वती शिवलिंग, बहुत ध्यान से सुनना। दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, दो तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक शिवलिंग वो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, शिवलिंग रहता है ऐसी जलाधारी पूरी की पूरी, और शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है, भूमि पर रखा रहता है, डायरेक्ट जमीन पर आप जल ले जाकर चढ़ाए निकल गया रस्ते से। एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। माता पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में, और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे वर्णन, एक डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। देख दर्शन करें आप लोगों ने, अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता, ठीक है, इस तरह का जो शिवलिंग होता, एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है ये भगवान विष्णु का हस्त कमल है, और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्त कमल है, इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। इसको हरीश्वर महादेव भी कहा जाता है। कौन सा महादेव कहते हैं? हरि सर्वेश्वर महादेव, हरीश्वर महादेव भी कहते हैं, हरि सर्वेश्वर भी कहते हैं। तो डमरू जैसा जो शिवलिंग का निर्माण हुआ है मंदिर में, अगर शिवलिंग ऊंचा है, शिवलिंग थोड़ी सी हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और डमरू जैसा भाग फिर उसके ऊपर जलाधारी, जलाधारी के बाद शिवलिंग निर्माण किया गया है, तो वो विष्णु शिवलिंग कहलाएगा, वो हरीश्वर शिवलिंग कहलाएगा, वो हरिवंश शिवलिंग कहलाएगा, हरीश्वर कहलाएगा। और जो डायरेक्ट सीधे जो रखा हुआ है, बारह ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करेंगे तो कहीं पर भी आपको विष्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा, केवल एक नागेश्वर को छोड़कर। कहां पर छोड़कर? जम के बोलिए, केवल एक नागेश्वर, नागेश्वर को छोड़कर बाकी के जितने बारह ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे सब शक्ति शिवलिंग मिलेंगे, सब जमीन पर। आप जितने भी देखेंगे, काशी का देखेंगे, महाकालेश्वर देखेंगे, तो डायरेक्ट जमीन पर जलाधारी बनी है महाकाल बाबा की, डायरेक्ट जमीन पर बनी है, कोई ऊंचाई नहीं है, डायरेक्ट जमीन पर फिर शिवलिंग है। ओमकारेश्वर देख लीजिए, ममलेश्वर देख लीजिए, आप चाहें तो विश्वनाथ देख लीजिए डायरेक्ट जमीन पर, सोमनाथ देख लीजिए डायरेक्ट जमीन पर, केदारेश्वर देख लीजिए डायरेक्ट जमीन पर, भीमाशंकर, वैद्यनाथ डायरेक्ट, आप वैद्यनाथ जी के लाइव प्रसारण कभी चालू करके देखना, डायरेक्ट जमीन पर, डायरेक्ट। तो जितने भी शिवलिंग हैं सारे के सारे शक्ति शिवलिंग हैं, जो डमरू के भाग पर रखा हुआ है वो हरीश्वर शिवलिंग, विष्णु के हस्त कमल पर जो रखा है, तो शास्त्र कहता है आप शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इस प्रसंग को, जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठकर चढ़ाना, बैठकर चढ़ाना।
शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संगी से चढ़ा दो, पर जल बैठ कर चढ़ाए। भले शिवलिंग ऊपर है, पूरा तरह से हाथ नहीं पहुंचा, जैसे सोमनाथ जी, सोमनाथ जी में आप शिवलिंग कितना बड़ा है, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा है, तो उसको तो बैठकर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए, आधे पर पानी जाए, पर बैठकर ही स्नान कराया जाता है। और महाराज, यदि हरीश्वर शिवलिंग है, अर्थात भगवान विष्णु के हस्त कमल पर, ब्रह्मा के हस्त कमल पर यदि शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े होकर ही करना है। और खड़े होने का भी तरीका होता है, दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता। महाराज, दोनों चरण बराबर रखकर, अगर हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने के लिए आप गए हो और शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तो हरीश्वर अगर शिवलिंग है, तो दोनों पांव बराबर रखकर नहीं, एक सीधा चरण थोड़ा सा आगे रखिए और उल्टा चरण थोड़ा सा पीछे रखकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने पर लक्ष्मी जैसे अपने चरण रहते हैं, भगवान शंकर उसी तरह से लक्ष्मी को दौड़ाते हुए अपने घर में प्रवेश कराएं।